राजा जनक, क्या कारण है? ये भीड़ भाड़ सी कैसी है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया। राजकुमारी सीता की जय, उसके शत्रुओं की क्षय, सुहाग अटल सब कार्य। ये क्या, मेरे गुरु के धनुष का ये हाल, मेरे गुरु का अपमान, खंडवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसके सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर, मैं सब उलट पुलट कर डालूंगा। तेरे तेरे खूनी परसे ने खूनों के नदियां बहाई है। कई बार इस सारे भूमि पर शत्रानियां विधवा बनाई है। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। ऋषिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का दास है। दास वो जो दासों जैसा काम करे, ऐसा दास कहा जो स्वामी को बदनाम करे। ऐ राम, अगवा हुआ है तू एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इससे तो साबित होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। सच कहा है, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो, कोल्हू में फेला जाता है। याने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने विष निचोड़ा है। करना है जो करे, शिव धनुष हम ही ने छोड़ा है। है राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो शस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने सम्मुख करो, नहीं तो यहां जितने भी राजा बैठे हैं मैं सबको मार डालूंगा। बहु धनु तोड़े हम लड़काई, पर कभी न ऐसे ऋषि आए। इस धनुष पर क्या है लाज है जो स्वामी इतना गरमाए। ओ अभिमानी बालक, क्यों चर्चर करता है और व्यर्थ में मुझे गुस्सा दिलाता है? बकरे की मौत कब तक खैर मनाएगी, तेरी मौत मेरे ही हाथों आएगी। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए मुझे ये कहना है, शोभित नहीं हूं बड़ों को जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। है क्षमा प्रादे ब्राह्मण पर, न चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे कंबकत, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? तेरी मौत ही तुझे मेरे सामने लाई है। अभी भी मेरी शक्ति को जान ले, अगर जरा सा फरसा हिला दो तो तेरे जैसे सैकड़ों को जमीन पर सुला दूं। किंतु मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। है राम, तुम्हारा भाई जितना गोरा रूपवान है, ये उतना ही मन का काला और मलिन है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, न वरना इसकी बड़ी दुर्गति होगी। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंछ चले जाओ। छाती पर धड़कन होती हो तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग हो इन धनुष खंडों पर,
इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण है जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात बाहू के मुझ दंड काटने वाला हूँ, इस वर्षे को तू ही विरोध जो लहू चाटने वाला है। बस इसके एक ही वर्षे से तीनों का सर द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला, अब बीत चुकी इसकी बाहर न नक्षत्र टहल हो पाया है। इस वर्षे में वो धार कहा जो मीठी बाणी में बन है। दूध मुंह बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत खट्टे या फंसा तुझे बतलाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है, मेरे क्रोधा बल के आगे कब तरफ तरफ के मरता है। श्री महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, शोभित नहीं हूँ बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो इस परसे से फटे आ जाए, भाई आपके क्रोध अवल से कहीं और उबाल ना आ जाए। जो पितर ऋण से उत्पन्न हुआ वो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वह हाथ एक बार फिर खुजलाता है, इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने स्कूल कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहार करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों को जिसने माता का सर काटा, गुरु ऋण अब तक माथे पर है उसको हम निपटा देंगे, ले आइए किसी महाजन को कर कोड़ी कोड़ी निपटा देंगे। ओ राजा के नादान छोकरे, तू मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। मुनिनाथ इसमें हमारा क्या दोष है, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, या जो गुनह गुनहगार सजा दो ऋषिवर, मैं सजा बार। इसका नाम नरमी है, ये बातों ही बातों में मुझे झुका रहा, और दूसरा भाई दांत निकाल निकाल कर मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये करता है खुद मौत की तैयारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, चट्टानों के मुंह में पताशा नहीं, जरा ठहर तुझे बताता हूं और मजा शरारत का चखाता हूं। मुनिनाथ लक्ष्मण तो नादान, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। वह देखो मुझे अभी भी दांत दिखा रहा है और शरारत से पेश आ रहा है। वो मेरे कहने से नर्म हो गया, आपको तो नाहक ही उस पर भ्रम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, मैं आपको स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तो मुझे मत दिखाई दे, तेरी भलाई इसी में है, तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। महाराज इसका इलाज तो और भी सरल है, आप अपने दोनों कानों में उंगली डाल दीजिए, आपके लिए चारों ओर सुनसान है। दो बड़ा शरारती है, इंसानों की ना बात कीजिए, मेरे हाथों में तीर है। खबरदार होशियार हो जा, तेरे मरने में अब कोई कसर नहीं, अगर एक बार में तेरा सर धरते अलग न कर दिया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। हे ब्राह्मण आप मुझे क्या मारेंगे, आप तो स्वयं मौत के बहाने यहां आए हैं, कृपया बैठ जाइए, खड़े खड़े आपके पांव दर्द कर रहे होंगे। हे राम तुम्हारा भाई जितना और गोरा और रूपवान है, ये इतना ही मन का काला और मलिन है, ये इस प्रकार कटु वचन बोल रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ता है, मुझसे युद्ध कर या फिर राम के रहना छोड़ दे। मुनिनाथ
मेरा नाम तो राम किंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम हर प्रकार से हारे मुनिराज, आप ही बताइए इस समय हमारा क्या कर्तव्य है। जब कोई भी वीर हमें युद्ध में ललकारे जैसी आपकी आज्ञा मुनिराज, उसका चिल्ला चढ़ गया। मेरे गुरु ने मुझे यह धनुष देते हुए कहा था कि जो भी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा तो समझ लेना नारायण अवतार हो गया। बस भगवान अब इसे उतार दीजिए, मेरा निश्चय पूरा हुआ। परंतु मेरा निश्चय पूरा नहीं हुआ मुनिराज। आपका निश्चय कैसा प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा, जब कमान पर तीर चढ़ जाता तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो अब ये किसकी जान लेगा प्रभु? आपकी और किसकी? नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुनिराज एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, पर घबराइए मत, दूसरा तीर नहीं मारूंगा। एक तीर की आपने अच्छी कही महाराज, आधी जान तो अभी निकल गई। जो हम जी हो गए निहाल, जरा बर्ता उठाइए और अपनी वीरता तो दिखाइए। नहीं लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान अब मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुनिराज शरण में आए हुए शत्रु पर हम वार नहीं करते, मुझे वचन दीजिए आप कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं महाराज। प्रभु मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहीं से सीधा विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन रहूंगा। उठे मुनिराज, मेरे गले लग जाएंगे।